सवी और ईशान ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से उनके बीच की दूरियां मिट जाएंगी। इस तरीके से अब यहां पर इन दोनों को एक दूसरे को जानने का और समझने का कुछ इस तरीके से मौका मिलेगा। हम आपको बता दें कि जब अब एक ही कमरे में बंद है दोनों, यानी कि सवी और ईशान, तब इन दोनों ने अपने अतीत को लेकर बहुत सारी बातें की हैं, अपने अतीत के कई पन्नों को पलटा है, अपने अतीत की उन सारी चीजों को एक दूसरे से शेयर किया है जो वो अपने दिल में दबाए हमेशा बैठे थे। और अब सवी ने ईशान को बताया है कि कैसे वो अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जहाँ एक तरफ सवी और ईशान एक दूसरों की बातों में कुछ इस कदर खो गए हैं कि उन दोनों को समय का पता ही नहीं चला, वहीं दूसरी तरफ भोसले परिवार इस बात को लेकर परेशान है कि क्या हुआ उनके बेटे का, अचानक ईशान कहाँ चला गया और इसलिए उसे ढूंढने के लिए अक्का और राव निकल पड़े। शांतनु ने भी बाजीराव को फोन कर दिया और जब बाजीराव को पता चलेगा कि ये दोनों जो हैं हॉस्टल रूम में बंद हैं, तब वहां अक्का और राव पहुंच जाएंगे। ईशान अपनी माँ ईशा के दर्द को याद करके इतना इमोशनल हो जाएगा कि वो सवी की गोदी में ही सर रखकर रोने लगेगा। अपने इमोशंस में उसे इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि वो ये क्या कर बैठा, और ऐसे में उसी समय अक्का और राव आ जाएंगे और जब वो दोनों को इतना करीब देखेंगे तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा शक होगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि मानो सवी और ईशान के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से अब इन दोनों के बीच की नज़दीकियां देखने को मिल रही हैं, ये दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें जैसे शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, उसे एक बात तो तय है कि बहुत जल्द ये दोनों आपस में एक दूसरे को दिल दे बैठेंगे। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।